गाजीपुर सुहवल क्षेत्र के ताड़ीघाट रेलवे स्टेशन के बगल में स्थित प्राथमिक विद्यालय परिसर में शहीद मेजर विकास की स्मृति में आयोजित दो दिवसीय अंतर प्रांतीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। शनिवार की देर शाम इसका शुभारंभ मुख्य अतिथि सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के प्रबंधक डॉक्टर सानंद सिंह ने शहीद के चित्र पर पुष्प अर्पित कर और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के उपरांत फीता काट कर किया। पहले दिन खेले गए कांटे के उद्घाटन मुकाबले में वाराणसी ने भदोही को 22-21 से पराजित कर अपना स्थान अगले चक्र के लिए सुरक्षित कर लिया। इसके उपरांत शकरपुर ने सेवराई को 16-11, पचौरी ने मेजबान ताड़ीघाट ए टीम को 26-18, बलिया ने मऊ को 27-26 जबकि दिलदार नगर ने मेजबान ताड़ीघाट बी टीम को 29-18 से पराजित कर अगले चक्र के होने वाले मुकाबले के लिए अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। उद्घाटन के अवसर पर मुख्य अतिथि डॉक्टर सानंद सिंह ने कहा कि जिस तरह से कम संसाधनों के होते हुए भी सीमित जगह के बावजूद इतने बड़े पैमाने पर आयोजन किया गया है उसके लिए समिति बधाई की पात्र है। उन्होंने शहीदों के प्रति नमन करते हुए कहा कि जब कोई जवान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता है तो वो इतिहास बनाता है। जरूरत है कि जब तक खेल के मैदान में खिलाड़ी हैं तब तक उत्साह के साथ साहस रखें। इस अवसर पर अखिल भारतीय क्षत्रिय युवा महासभा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह, प्रतियोगिता के संयोजक कमलेश सिंह टुन्ना, दिग्विजय उपाध्याय, अरविंद सिंह गाना, ध्रुव सिंह, प्रधान रिंकू सिंह आदि मौजूद रहे। प्रतियोगिता में निर्णायक राजेश यादव, कन्हैया यादव, स्कोरर महेंद्र यादव व रोहित, जबकि उद्घोषक की भूमिका बबलू यादव व सुशील तिवारी ने निभाई। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।